एक बार एक बालक था और अपने गुरु से उसने प्रश्न किया, गुरु जी आप मुझे ये बताइए मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। गुरु जी उस समय चुप रहे, उन्होंने शिष्य को कुछ नहीं कहा और कहा कि मैं आपको अवसर आने पर बताऊंगा, मौका आने दो मैं बताऊंगा। शिष्य रोज शाम को गुरुजी के लिए पानी लेने के लिए नहर पर जाता था। उस दिन शाम को गुरुजी ने उसको पानी लाने से मना कर दिया। उसके बाद जब देर शाम हो गई, रात हो गई, तो गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा बेटा जाओ अब नदी से पानी लेकर के आओ। बालक हैरान, शाम को तो पानी लाने से गुरुजी ने मना कर दिया था, अब अंधेरे में पानी लाने को कह रही हैं, लेकिन गुरु आज्ञा तो ठहरी। खैर गुरुजी से बच्चे ने लालटेन ली और झोंपड़ी से बाहर निकला, पर जब उसने बाहर का अंधेरा देखा तो वह डर गया और वापस आया और गुरुजी से अनुनय विनय करने लगा। हाथ जोड़कर कहा गुरुजी कल सुबह कर लेंगे, कल सुबह मैं आपको पानी ला करके दे दूंगा, पर गुरुजी ने मना कर दिया। इसके बाद फिर बालक ने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी रहने दो ना सुबह कर लेंगे। तो गुरुजी ने कहा क्या बात अंधेरे से डर लग रहा है? तो बालक ने कहा जी गुरुजी क्यों आपके हाथ में लालटेन नहीं है? अरे भाई चारों तरफ अंधेरा है तो आपके पास रोशनी भी तो है। खैर किसी तरह से बालक को हिम्मत दे करके गुरुजी ने पानी लाने के लिए भेज दिया और कुछ समय बाद वो बालक पानी लेकर के आ भी गया। जब बालक पानी लेकर के आया तो उसने गुरुजी से प्रश्न किया कि अच्छा गुरुजी अब देखो मैंने आपकी बात मान ली और मैं नहर से पानी भी ले आया, अब आपकी बारी है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आपने कहा था कि मैं आपको प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं सुबह से परेशान हूं, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने कहा था समय आने पर अवसर आने पर दूंगा, पर आप मुझे उत्तर दीजिए मैं परेशान हूं। तो गुरुजी ने कहा मैं तो आपको उत्तर दे चुका। शिष्य की समझ में नहीं आई, उसने पूछा गुरुजी कैसे? अरे भाई पूरी दुनिया में अंधकार भरा पड़ा है, जैसे अभी आप पानी लाने के लिए गए थे बाहर अंधकार भरा पड़ा था, तो इसी तरह से पूरी की पूरी दुनिया में अंधकार है और लक्ष्य की ओर जाने के लिए तो आपके पास आपके मन में एक इच्छा शक्ति होती है, एक रोशनी होती है और उसी के सहारे आगे बढ़ना होता है। अगर वो इच्छा आप जागृत रखेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप नहर से पानी ला पाएंगे।